ओके जी, आज हमने देखना है कि हम ऐप बार को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और ऐप बार के ऊपर कौन कौन से आइकन्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं और किस तरह से अपनी ऐप बार के ऊपर एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपने एंड्रॉयड में ऐप बार को डिज़ाइन किया होगा, उसमें नेविगेशंस वगैरह को यूज़ किया होगा। ठीक है, फ्लटर के अंदर ऐप बार को ही देखते हैं कि ऐप बार को मजीद डिज़ाइन करके अगर कोई ड्रॉअर वगैरह बनाना है तो वो किस आप इसमें बना सकते हैं। ठीक, काम किया हुआ था। ठीक है, अभी मैं एक और पेज आपके साथ बना लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और डॉट फाइल यहाँ पे लेट सपोज मैं बना लेती हूँ ड्रॉअर के नाम से। ठीक है, आप कोई भी नेम असाइन कर दें। ठीक है, आपने एंड्रॉइड में नेविगेशन ड्रॉअर पढ़ा होगा जी, पता है किसी को नेविगेशन ड्रॉअर का? अभी आ रही है आवाज़ या अभी भी कट रही है? आ रही है। अच्छा, एक दफ़ा मैसेज पे वेरीफाई कर दें, अगर तो आवाज़ सबको आ रही है तो मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, और साथ में मुझे इस बात का आंसर भी कर दें कि नेविगेशन ड्रॉअर आपने एंड्रॉइड में पढ़ा, कोई आइडिया है कि वो क्या होता है, किस तरह से उसमें काम करते हैं हम? स्क्रीन में अभी तक फ्लटर पे मूव किया ना, ये देखिए पेज है वो अभी आपकी स्क्रीन शो हो रही है। मैं अभी आप वापस इसी मीट पे आ चुकी हूँ। स्टिल क्यों इशू आ रहा है? अभी शो होगी आपको। ठीक है, और होप सो अभी आवाज़ भी क्लियर आएगी। ठीक है, अगर स्टिल प्रॉब्लम आता है तो मैसेज कर दीजिएगा जी। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप मुझे नेविगेशन ड्रॉअर के बारे में जिसको आइडिया है वो बता दे। हाँ जी, कोई बता रहा है या मैं खुद ही स्टार्ट कर दूं? जिसको जितना आइडिया है, जिसको जितनी समझ आ रही है वो बता देना। ओके, चलें, मैं ही स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो नेविगेशन ड्रॉअर आपने अक्सर देखा होगा साइड बार होती है ऐप बार में। ठीक है, समटाइम आप ऐप्स में देखते हो बॉटम पे एक बार लगी हुई होती है। ठीक है, उसे कहते हैं बॉटम नेविगेशन बार। ठीक है, और अक्सर आप देखते हैं टॉप पे जो आपकी टूल बार होती है, टूल बार के लेफ्ट साइड पे तीन आपके पास लाइंस आ रही होती हैं, जैसे वेबसाइट में आप टॉगल बटन भी कहते हैं। ठीक है, और ऐप्स में इसको कहते हैं नेविगेशन ड्रॉअर। ठीक है, तो जब आप उन तीन लाइंस पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक ड्रॉअर ओपन हो जाता है जिसमें मल्टीपल आइटम्स होते हैं। ठीक है, अगर आप मोबाइल पे जीमेल वगैरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखते हो आपके पास थ्री लाइंस वो आ रही होती हैं, उसको बेसिकली कहते हैं नेविगेशन ड्रॉअर। ठीक है, जब आप क्लिक करते हो तो कोई ड्रॉअर अपीयर होता है, फिर उसमें मल्टीपल आइटम्स होते हैं और उन आइटम्स पे क्लिक करके आप न्यू पेज वगैरह पे मूव करते हो या कोई भी एक्शन जो आपने परफॉर्म करना होता है वो आप परफॉर्म करते हो। ठीक हो गया, तो इसको कहते हैं नेविगेशन ड्रॉअर। ठीक है, लेकिन ये नेविगेशन ड्रॉअर जो है इसका आइकन प्लेस कहाँ पे किया जाता है? टूल बार में प्लेस किया जाता है, जिसे हम ऐप बार भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐप बार के अंदर जब आप इसे प्लेस करते हैं तो उसके लिए हमने अपनी सबसे पहले ऐप बार को डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपनी ऐप बार को डिज़ाइन जब करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि भाई ये आपकी, देखें फॉर एग्जांपल ये ऐप बार है। ठीक है, अब इस ऐप बार में आप देखें तो हमारे पास मल्टीपल पोर्शंस हैं। सबसे पहले जो वेरी लेफ्ट पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लीडिंग आइकन, जो कि मैंने आपको लिस्ट व्यू में भी बताया था। ठीक है, ये होता है बेसिकली आपका लीडिंग आइकन जो कि लेफ्ट साइड पे शो होता है। ठीक है, देन आपकी ऐप बार पे टेक्स्ट शो होता है जिसे हम कहते हैं टाइटल। ठीक है, एंड देन राइट साइड पे अगर आपने कोई भी बटन्स, जितने भी बटन शो कराने हैं, जितने भी आइकन्स शो करवाने हैं, उनको क्या कहते हैं? एक्शन बटन्स। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐप बार को
जब भी डिज़ाइन करोगे आपने पहले अपनी ऐप बार को मल्टीपल पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है, फिर उसके बाद आपने उसकी डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करना है। अभी आप देखें ये आपके मल्टीपल पोर्शंस में डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। अब जब भी हम ये जो लीडिंग आइकन है ये बेसिकली ड्रॉअर के लिए हमने लगाया हुआ है, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक ड्रॉअर आपके लिए ओपन करेगा और उसमें मल्टीपल क्या होंगे, आइटम्स होंगे, ठीक है आपके पास। तो उन आइटम्स के थ्रू आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। गया अच्छा, सबसे पहले तो हम आते हैं अपनी जो फाइल है मेन डॉट डार्ट वाली उस पर, ठीक है। आपको आइडिया होगा कि जब भी हम मेन डॉट डार्ट फाइल में काम करते हैं, ठीक है, हमने फाइल स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना होता है कि आप स्टेट फुल विजिट इस्तेमाल कर रहे हैं या स्टेट लेस विजिट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्टेट फुल विजिट को इस्तेमाल करना चाहती हूँ, क्योंकि स्टेट फुल आपको पता है कि जब हम स्टेट फुल को यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमने कोई स्टेट मेंटेन करनी है तो मैं किसको यूज़ करूँगी, स्टेट फुल विजिट को। लेकिन अगर मुझे कोई स्टेट मेंटेन नहीं करनी तो मैं स्टेट लेस विजिट को कॉल करूँगी। अभी मैं कॉल कर रही हूँ स्टेट फुल विजिट को, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ जैसे ही मैंने उसको पिक किया तो आप देखते हैं एक मेरे पास स्टेट की क्लास बन जाती है और दूसरी मेरे पास स्टेट को मेंटेन करने की क्लास बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे अपनी क्लास को एक नेम स्पेसिफाई करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि भाई ड्रॉअर पे लेट सपोज, ठीक है, आप कोई भी क्लास का नेम असाइन कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे कह दिया ड्रॉअर पेज है मेरे पास, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया मेरे पास ड्रॉअर, तो आप देखें ये इसके स्ट्रक्चर में भी ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई हो गया, आप स्टेट में भी ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई उसने कर दिया, ठीक है, कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आपके क्या है, मैंने फिलहाल इसको बता दिया कि मैंने स्टेट फुल विजिट में काम किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हो, अब यहाँ पे आपने देखिए मेरे पास एरर्स शो हो रहे हैं ना, और एरर्स क्यों शो हो रहे हैं, अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे मेन एक स्टेटफुल विजिट की क्लास बना ली थी ताकि हम उसके अंदर फिर काम करें, और स्टेट्स को मेंटेन करना है या जो भी है तो फिर आप ओवरऑल इसके अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटफुल विजिट में एरर क्रिएट कर रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमें ऊपर पैकेज इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ऊपर इम्पोर्ट करेंगे पैकेज तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इम्पोर्ट कौन सा पैकेज करेंगे, मटीरियल डॉट आर्ट, ये पैकेज जैसे ही इम्पोर्ट करेंगे ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये मटीरियल डॉट डार्ट आपको अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा ना पैकेज स्लैश पर फ्लटर, तो आप किसी और लिस्ट से कॉपी कर लेंगे, ये सेम ही है ओवरऑल हर लिस्ट में आपके पास इसका हर क्लास में इस्तेमाल हुआ होता है। मैं इस पैकेज को यहाँ से कॉपी करती हूँ, डॉट डार्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, करेंगे, ठीक है। अब हम मेन जो है अपनी ऐप बार में काम करना स्टार्ट करते हैं कि हमने ओवरऑल ऐप बार को पहले डिज़ाइन करेंगे एंड देन उसमें बॉडी सेक्शन में जो भी काम करना है वो काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास विजिट में देखें एक कांस्टेंट प्लेस होल्डर को रिटर्न कर रही है, मुझे कांस्टेंट प्लेस होल्डर को रिटर्न नहीं करना, ठीक है। मेरे पास मेन डॉट मटीरियल ऐप मैंने यूज़ किया है, ठीक है। बाद आपको बॉडी और टूल बार के सेक्शन को डिवाइड करने के लिए एक विजिट कॉल करना पड़ता है, दैट इज स्कैफोल्ड, ठीक है। मैं स्कैफोल्ड के विजिट को कॉल करूंगी। अब स्कैफोल्ड के अंदर आपको चाहिए होम बार, होम चाहिए, ठीक है, और होम सॉरी स्कैफोल्ड के अंदर आप होम डायरेक्टली कॉल ना करें, ऐप बार पहले कॉल कर लें, ठीक है। पहले ऐप बार एंड बॉडी का सेक्शन हम इसमें कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे है जी ऐप बार, ठीक है, और ऐप बार का विजिट कॉल कर लें, ये विजिट हमने कॉल कर लिया। अब विजिट में मेरे पास होता है कि भई आपने सबसे पहले फॉर एग्जांपल ऐप बार को कोई टाइटल असाइन करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइटल की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, ठीक है। टाइटल की प्रॉपर्टी के बाद आपने विजिट कॉल करना है टेक्स्ट, अगर आप अपने ऐप बार को कोई भी टेक्स्ट एज अ टाइटल स्पेसिफाई करना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ भी हम यहाँ नेविगेशन ड्रॉअर का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉअर एज अ टूल बार पे टाइटल नेविगेशन ड्रॉअर लिख देती हूँ, ठीक है।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेन टाइटल मेंशन कर दिया। अब टाइटल के बाद आप थे हमारे पास एक लीडिंग आइकन था। लीडिंग आइकन लगाने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने मेन ऐप बार में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब हमने टाइटल दिया, टेक्स्ट का विजिट आया, टेक्स्ट के विजिट के बाद आप बेशक कॉमा लगा के डायरेक्टली दे दें या यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को स्पेसिफाई कर लें, ठीक है। अब लेट सपोज आपने ये करना है कि हमें चाहिए लीडिंग आइकन, ठीक है, तो लीडिंग आइकन के लिए आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया भाई लीडिंग की प्रॉपर्टी, ठीक है, और लीडिंग की प्रॉपर्टी के बाद मैं यहाँ पे कॉल करूँगी आइकन बटन, ठीक है। आप सिंपल आइकन यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपने आइकन को क्लिक करके क्लिकेबल बनाना है तो आप क्या यूज़ करते हैं, आइकन बटन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ आइकन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेती हूँ आइकन बटन, ठीक है, और आइकन बटन जब मैं इस्तेमाल करती हूँ तो ऑब्वियसली विजिट को जब मैं ओपन करूँगी तो इस विजिट के अंदर चाहिए मुझे आइकन की प्रॉपर्टी चाहिए। मैंने आइकन की प्रॉपर्टी को कॉल किया, ठीक है, और को जो भी आइकन स्पेसिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ आइकन विजिट आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने किया जी आइकन का विजिट कॉल किया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आइकन्स डॉट एंड देन मैं अपने आइकन को कॉल कर लूँगी, ठीक है। अब मेरे पास आइकन है क्या, यहाँ पे मेरे पास है जी आइकन, आप कुछ भी लगा सकते हैं। हमारे पास डिफ़ॉल्ट आइकन पड़ा होता है मेन्यू का, वो मैंने कॉल कर लिया कि भाई मुझे यहाँ पे मेन्यू स्पेसिफाई करना है आइकन बटन में, लेकिन स्टिल आइकन बटन एरर दे रहा है। और आइकन बटन एरर क्यों, बटन पहले दो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती है, एक तो आइकन जो हम लगा रहे हैं, दूसरा ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी से रिक्वायर्ड होती है। यहाँ ऑन प्रेस नहीं लगा हुआ तो आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जब है वो क्लोज किया, इसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद हमें ऑन प्रेस्ड की प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं ऑन प्रेस्ड, क्योंकि ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। अगर आप ये नहीं देंगे तो ये आपको एरर क्रिएट करेगा। और ऑन प्रेस्ड में क्या है, फिर एनोनमस फंक्शन बनाएं और उसके बाद बेशक आप बता देंगे भाई हमें जो भी एक्शन परफॉर्म करना है मैं यहाँ पे एनोनमस फंक्शन के अंदर लिखूंगी, ठीक है। फिलहाल इस मेथड लिया, ओके, क्या ओवरऑल मैंने कोई भी काम करना होगा तो वो इस एनोनमस मेथड के थ्रू एनोनमस मेथड के अंदर मैं वो काम कर लूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, ये देखें अब ये थ्री लाइंस आना शुरू हो गया ना कि यहाँ पे ये आइकन प्लेस हो गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं आइकन बटन स्टिल एरर क्यों दे रहा है। ओके, अब ये रिजॉल्व हो गया, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेता है, ऐसे हमें दो प्रॉपर्टीज इसमें ऐड होती हैं, एक आपके पास होता है चाइल्ड और होता है ऑन प्रेस। आप चाहें यहाँ पे क्योंकि हम टेक्स्ट अगर मुझे लगाना हो तो मैं चाइल्ड में टेक्स्ट ऐड करती, लेकिन मुझे आइकन लगाना था तो मैं डायरेक्टली आइकन ये प्रॉपर्टी लगाई और ऑन प्रेस मेथड लगा दिया, ठीक है। ये वो थ्री लाइंस जो हैं लेफ्ट बार में लीडिंग आइकन प्लेस करने के लिए हैं, ठीक है। अब मैंने टाइटल भी दे दिया, मैंने लीडिंग आइकन भी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आइकन बटन क्लोज हो रहा है, तो आइकन बटन जहाँ पे आपके पास क्लोज हो रहा है उसके बाद कॉमा लगाएं नेक्स्ट लाइन पे, या उसी लाइन में भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोड को फॉर्मेट किया करें, ठीक है। अब आपके पास राइट में अगर आपने कोई भी चीज़ें स्पेसिफाई करनी है तो मैंने आपको बताया था उनको क्या कहते हैं, एक्शन बटन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्शंस की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जिसको कॉल करते हैं और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीपल एक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आइकन्स यूज़ करने हैं आपने वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लेट सपोज आइकन बटन ही लगे, आइकन्स लगाने हैं और उन पर प्रेस करना है तो मैं आइकन बटन्स को यूज़ कर रही हूँ। मैं इसी आइकन बटन के टैग को क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके दो तीन बार जितने बार आपने वो आइकन लगाना है, ठीक है, मैंने दो इसको यूज़ कर, मुझे कोई भी आइकन यहाँ पे चाहिए आप यहाँ पे आइकन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देती हूँ भी सर्च आइकन मुझे चाहिए, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे सर्च अवेलेबल भी है ना, इसको हाईलाइट कर देगा और अच्छे आपको भी कर देगा, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट आइकन कुछ पड़े होते हैं, ठीक है, आपने उसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे बेशक कोई और आइकन यूज़ कर लें, ठीक है, आपने जो भी आइकन इस्तेमाल करना है यहाँ पे लेट सपोज हम कर लेते हैं ऐड का या कुछ भी कर लें, ठीक है, जो भी आइकन आप चाहिए वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपके पास एक आइकन जो आपकी ऐप बार है ना वो डिज़ाइन हो चुकी है, ठीक है। अब ऐप बार डिज़ाइन हो गई, ऐप बार के बाद अब हमने क्या करना है, अगर आप देखें बार ये जब हम रॉट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उस पे एक्शन परफॉर्म होगा, तो आपने ये करना है कि आपने ऐप बार की जो ब्रैकेट ख़त्म हुई है वहाँ पे बाद कॉमा लगाना है, ठीक है, और ऐप बाद आपने अपने ड्रॉर को, ठीक है, आप ड्रॉर को आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे, आपने ये काम करना है कि ड्रॉर का जो पैरामीटर है ना आपने वो कॉल करना है, ड्रॉर की जो जब हमने की प्रॉपर्टी कॉल किया तो हमारे पास
ड्रॉअर के लिए अपना बिल्ट विजिट होता है, दैट इज ठीक है, आपको करना है। अब ड्रॉअर के अंदर आपको पता है मल्टीपल आइटम्स होंगे, जाहिरी बात है जितने भी मेरे पास, अब ड्रॉअर में भी ना हम ड्रॉअर को दो पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, एक ड्रॉअर हेडर होता है, एक आपके पास ड्रॉअर के आइटम्स होते हैं, ठीक है। अब ड्रॉअर में अगर आपको मल्टीपल चीज़ें चाहिए तो मैंने आपको कहा था उसको ज़्यादा आइटम्स आ जाते हैं, आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो आप उसमें क्या लगा लेते हो, स्क्रॉल व्यू लगा लेते हो, ठीक है, या फिर आप लिस्ट व्यू क्या करती है, डिफ़ॉल्ट आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आपने ड्रॉअर के अंदर चाइल्ड ऐड करना है और चाइल्ड के अंदर आपने क्या करना है, लिस्ट व्यू बना लेना है। ये लिस्ट व्यू बेसिकली क्या करेगा, ये आपकी चीज़ों को अगर आइटम ज़्यादा हो गए हैं तो उनको देगा, ठीक है। अब मैंने लिस्ट व्यू लगाया, ठीक है, और लिस्ट व्यू के अंदर अब आपको अगर मल्टीपल, जाहिर बात है एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें होंगी, तो मल्टीपल चीज़ों के लिए हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, चिल्ड्रन स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन प्रॉपर्टी मैंने स्पेसिफाई की और चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी जो चिल्ड्रन के अंदर जो वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर को स्पेसिफाई कर देती हूँ, ठीक है। अब आपको मैंने कहा कि भाई हम अपने ड्रॉअर को दो पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वन ड्रॉअर हेडर है एंड सेकेंड वन क्या है, जो आइटम्स होंगे उसके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप ड्रॉअर हेडर नहीं लगाना चाहते तो बेशक ना लगाएं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं ड्रॉअर हेडर लगाना चाहती हूँ, तो मैं कहती हूँ भाई मैंने ड्रॉअर हेडर का अपना एक विजिट होता है उसको कॉल कर लें, लेकिन उसको ड्रॉअर के अंदर आके चिल्ड्रन में कॉल कर लें कि भाई ये ड्रॉअर हेडर है। अब आप देखें तो ड्रॉअर हेडर इस टाइम पे एरर दे रहा है, क्योंकि सबसे पहले मुझे ड्रॉअर हेडर का चाइल्ड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब चाइल्ड आपके ऊपर है, आप इसमें ना लेट सपोज मैं एक टेक्स्ट एंटर करना चाहती हूँ, लेकिन चाइल्ड डायरेक्टली चाइल्ड को डिज़ाइन भी करना चाहती हूँ, तो डिज़ाइनिंग के लिए एक फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि भाई एक डिव बनी हुई आए, डिव थोड़ी बहुत डिज़ाइंड आए, और डिव के सेंटर में आपके पास टेक्स्ट आए या इमेज आए या कुछ भी आए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डिव के लिए यहाँ पे आप यूज़ करते हैं कंटेनर, ठीक है। तो आपने क्या किया, लेट सपोज मैंने कंटेनर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब कंटेनर को आपने, कंटेनर के अंदर फॉर एग्जांपल आपने क्या किया जी, टेक्स्ट देना है, तो ऑब्वियसली कंटेनर के अंदर भी हमें चाइल्ड का विजिट कॉल करना पड़ेगा और फिर टेक्स्ट देना पड़ेगा। अब टेक्स्ट में आप देखें तो जो भी लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं यही कह देती हूँ कि ये मेरा हेडर है, मैंने टेक्स्ट दे दिया कि ये हेडर है, ठीक है। टेक्स्ट को स्टाइल करना है तो आपको पता है इसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, लेकिन अगर आपने अपनी डिव को बैकग्राउंड देना है तो डिव के लिए आपने कंटेनर के अंदर आके कलर की प्रॉपर्टी को कॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी डिव को बैकग्राउंड देगी, डिव बेसिकली कंटेनर है आपका, ठीक है, जो HTML में आपने पढ़ा होगा डिव्स का कॉन्सेप्ट, तो ये बेसिकली उसको डिज़ाइन करता है, उसको एक आप समझ लें कि एक डिव बना देता है, एक स्ट्रक्चर बना देता है, एक लेआउट बना देता है, ठीक है। उसको जब मैंने बैकग्राउंड देना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कलर कलर्स की क्लास को कॉल करूँगी और मल्टीपल कलर्स में से कोई भी एक कलर स्पेसिफाई कर देती हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये मैंने अपने कंटेनर को डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। अब आपके पास, यानी मैंने कंटेनर को बता दिया कि मेरे कंटेनर में है जी हेडर, ठीक है। अब हेडर के बाद आपका जहाँ पे ड्रॉअर हेडर ख़त्म हुआ, ठीक है, अब ड्रॉअर हेडर के बाद देखें मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने अब ड्रॉअर के आइटम्स प्लेस करने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे ड्रॉअर हेडर, जहाँ पे मेरा ड्रॉअर हेडर क्लोज होगा उसके बाद मैंने कॉमा लगाया कि भाई मेरा ड्रॉअर हेडर तो हो गया ख़त्म, ठीक है। अब ड्रॉअर हेडर ख़त्म होने के बाद मैंने क्या करना है, मुझे लिस्ट टाइल्स देनी है। बेसिकली आप देखते हो आपके मेन्यू में आइटम्स बने हुए आ रहे होते हैं, ये जो नेविगेशन मेन्यू होता है आपका, इसमें आइटम्स आ रहे होते हैं ना, तो आइटम्स के लिए आप लिस्ट टाइल्स को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेट सपोज लिखा जी लिस्ट टाइल, ठीक है, कि मुझे लिस्ट टाइल एक आइटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैंने लिखा जी मेरे पास है लिस्ट टाइल। अब लिस्ट टाइल में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपको लेफ्ट साइड पर कोई आइकन चाहिए तो आप उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, लीडिंग प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे, ठीक है। मैंने लीडिंग प्रॉपर्टी लगाई, आइकन लगाना है तो आप आइकन के विजिट को कॉल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अंदर आके आइकन्स की क्लास कॉल करेंगे। मैं डिफ़ॉल्ट आइकन्स ही इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिफ़ॉल्ट और फॉन्ट ऑसम आइकन्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसको कर लें, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर मैं होम कॉल कर लेती हूँ, अगर तो होम का अवेलेबल होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर होम कॉल कर लेती हूँ। तो ये देखें होम का मेरे पास आ रहा है, होम फील्ड भी आ रहा है, ठीक है। मैं लेट सपोज इसी होम वाले को पिक कर लेती हूँ, ठीक है। अब आपके पास क्या है, मैंने लीडिंग आइकन दे दिया, ठीक है। अब लीडिंग के बाद आपको टाइटल चाहिए, ठीक है, तो टाइटल के लिए आपको टाइटल की प्रॉपर्टी पहले कॉल करनी पड़ेगी, एंड देन टेक्स्ट का विजिट कॉल करके आप उसके अंदर बता सकते हो कि ये मेरा आइटम नंबर वन है। आइटम नंबर वन में लेट सपोज मैं नए मेन्यू में बता देती हूँ ये होम है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि अगर आपने एक आइटम पिक
क्लिक करना है तो आपको ऑन प्रेस्ट ऐड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम लिस्ट स्टाइल यूज़ कर रहे हैं तो लिस्ट स्टाइल की अपनी अपना प्रॉपर्टी होती है ऑन टैप, ठीक है। तो आप उसको कॉल करके उसमें एनोनिमस मेथड बना सकते हो, क्योंकि इसमें अगर कोई एक्शन आपने परफॉर्म करना है तो वो ऑन टैप के अंदर यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास है कि भाई मैंने मल्टीपल लिस्ट स्टाइल्स को ऐड किस तरह से करना है और उसमें काम किस तरह से करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, अब मैं इसी लिस्ट स्टाइल को रिपीट करूँगी, ठीक है। अब मतलब मुझे अगर एक से ज़्यादा आइटम्स यहाँ पे यूज़ करने हैं तो मैं इसी लिस्ट स्टाइल को क्या करूँगी, कॉपी करूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया एक दफ़ा, फिर सेकंड टाइम मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जितनी दफ़ा आपको ये आइटम्स चाहिए, इस टाइम पे मैं तीन ही आइटम्स ले लेती हूँ। अच्छा, आइकन आप चेंज करते रहिएगा, मैं सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर रही हूँ, ठीक है। आइकन आपको पता है सिंपल, आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे बता देती हूँ कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास मैंने मल्टीपल लिस्ट स्टाइल्स दे दी है, मैंने उनको बता दी कि मेरे पास तीन आइटम्स होंगे जो कि ड्रॉर के अंदर मेरे पास अपीयर होंगे, ठीक है। तो ये अब बेसिकली ड्रॉर के अंदर आपको ओवरऑल चीज़ें शो करेगा, ठीक है। अब पहले इसको रन करते हैं, देखते हैं कि भाई ये किस तरह से हमें अपना इफेक्ट शो कर रहा है, फिर इसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी हुई तो वो हम करेंगे, ठीक है। पहले इसको मैं क्रोम पे रन कर लेती हूँ। अच्छा, तो अब आप अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया था, हमने ओवरऑल यहाँ पे मैंने एक नेव ड्रॉर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। देन मैंने सर्च आइकन लगाया हुआ है, ठीक है। और सर्च आइकन के बाद ये डीबग के नीचे आपके पास ना दूसरा आइकन आ रहा है, ठीक है। तो ये डीबग हटाएंगे तो आपको ये आइकन शो हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये एक आइकन है, ये दूसरा आइकन शो हो रहा है, ठीक है। और ये डीबग के नीचे है दूसरा आइकन, तो ये जैसे ही आप इसको शो डीबग मोड बैनर फॉल्स करेंगे ना तो यहाँ पे आपको आइकन शो होगा, ठीक है। और ये सर्च आइकन है, एंड देन यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉअर है, और ये देखें तीन आपके पास आ रहा है कि भाई ये हेडर आपके पास जो नेविगेशन ड्रॉअर है ना, ठीक है, ये आपके पास शो हो रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये सिनेरियो है कि अभी इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर ऑन क्लिक नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन जब आप अभी हम इस पर ऑन क्लिक लगाएंगे, लेकिन जब आप इसको मोबाइल से स्वाइप करोगे ना, ठीक है, मोबाइल पर रन करोगे, मोबाइल से इसको स्वाइप करोगे तो ये क्या करेगा, ये आपको नेविगेशन ड्रॉअर स्वाइप पे आपको शो करेगा, लेकिन क्लिक पे अभी शो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इस पे कोई क्लिक लिसनर नहीं लगाया, ठीक है। मैंने अभी इस बटन पे कोई भी क्लिक लिसनर नहीं लगाया और उसको एक्टिव नहीं किया, उसको मैंने नहीं बताया कि भाई जब इस पे क्लिक होगा तो ये ड्रॉअर ओपन होना चाहिए, ठीक है। अभी जब आप स्वाइप करेंगे ना तो ये ड्रॉअर आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्लियर जी।